हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहास क्रिएटिविटी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना कैफरी आइलैंड ब्लॉग, जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है इटली का। तो इसमें ऐसा कुछ हिस्ट्री एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, बस ब्यूटी है जो कि देखने वाली थी। और ये प्लेस वो है जहाँ पर बचना है सिनो रणबीर कपूर की मूवी की शूटिंग भी हुई है। कैफरी जाने के लिए हमें नेपल से बोट लेनी पड़ती है, क्योंकि वही एक प्लेस है जहां से बोट जाती है कैपरी के लिए। हम लोग कैपरी पहुंच गए हैं, तो ये बोट की विंडो का व्यू था कैपरी आइलैंड का। तो वहां जाकर हम लोगों ने 2 आवर्स का एक टूर बुक किया कैपरी आइलैंड घूमने के लिए, क्योंकि वो लेना ज़रूरी है। उससे पूरी जो आइलैंड की ब्यूटी है वो दिखाई पड़ती है, और दूसरा कुछ बीच में पॉइंट्स आते हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट थे, जो कि हमें गाइड ने एक्सप्लेन किए थे। आइलैंड एक्सप्लोर करने के लिए लोग अपनी पर्सनल बोट भी हायर करते हैं, तो जिनको ड्राइव करनी आती है। तो ऐसे वहाँ पे एक पॉइंट था जहाँ पे लोग अपनी बोट को रोक रहे थे और स्विमिंग कर रहे थे। तो कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा इन लोगों का ऐसे स्विमिंग करने का। पॉइंट के बाद आने वाला था एक रोमांटिक पॉइंट, जहाँ पर गाइड ने बोला कि यहाँ पर लोग किस करते हैं। तो ऐसे एक रोमांटिक सा म्यूजिक लगा और सबने अपने स्पाउस को किस भी किया। यहाँ पर ये सब बोट वेट कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे एक स्मॉल सी एक टनल थी जहाँ पे लोग अपनी बोट लेके अंदर जा रहे थे। तो लेकिन वो जो बोट थी वो वन बाय वन करके जा रही थी। हम लोगों का टूर फिनिश हुआ, उसके बाद हम लोगों ने लंच किया और मुझे यहाँ पे फर्स्ट लसानिया मिला था, जो वेज लसानिया था, और मुझे लसानिया बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद हम लोगों ने केबल बस ली, क्योंकि ये बस ही थी, इसकी कैपेसिटी नियर अबाउट 100 लोगों की थी। तो इससे हम लोग ऊपर गए कैपरी, तो वहाँ का जो व्यू था वो अलग ही व्यू था, अमेजिंग था। और वहाँ मतलब पूरा मार्केट भी था, तो वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। ये है टॉप व्यू आयरलैंड का, जिसका भी हम लोगों ने टूर किया। ऊपर भी एक प्लेस है एना कैपरी, उसके जाने के लिए हम लोगों को बस लेनी पड़ती है। तो हम लोग वहाँ पर नहीं गए, क्योंकि हमारे पास एक तो टाइम भी कम था, और दूसरी बात जहाँ पे बस राउंड राउंड जाती है वहाँ मुझे थोड़ा चक्कर आते हैं, तो मैं जाना प्रीफर नहीं करती हूँ।
यहाँ पर ये बहुत सुंदर बाथ बॉम्ब्स थे, तो जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल शेप में बने हुए थे। और यहाँ पर जो ऊपर बोतल में लिक्विड है, इसका मुझे नहीं पता कि ये क्या था, क्योंकि सब इटालियन में लिखा हुआ था तो मुझे नहीं समझा, लेकिन इनकी बोतल जो थी वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी। सो एट लास्ट हम लोगों ने बीच पे टाइम स्पेंड किया, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था गर्मी में। और उसके बाद ऐसे ख़त्म हुआ हमारा मेमोरेबल इटली का ट्रिप। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत ही अच्छा टाइम था जो हम लोगों ने साथ में स्पेंड किया इटली में। और मेरा मोस्ट अवेटेड ट्रिप भी था, क्योंकि एक ड्रीम प्लेस था जो कि मुझे ट्रैवल करना था। तो ऐसे खत्म हुआ हमारा इटली का ट्रिप। होपफुली आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए मेरे व्लॉग्स तो आप लाइक जरूर करिएगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे डेली व्लॉग्स देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।